नमस्ते किसान भाइयों, आम्मी शेतकरी इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम कराटे कीटनाशक के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसका डोज कितना लेना है, किस क्रॉप पे इसका छिड़काव करना है और किस कीटनाशक के नियंत्रण के लिए इसका छिड़काव हमें करना चाहिए, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ही हम हिंदी में भी इस चैनल पे कीटनाशक के वीडियो बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो किसान भाइयों, इसमें जो टेक्निकल कंटेंट है उसका नाम है लैम्ब्डा साइहैलोथ्रिन 5% ईसी। हम इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है वो देखेंगे। तो ये कीटनाशक जो है कराटे, ये नॉन सिस्टमिक है और इसका स्टोमैक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड विथ लिटिल फ्यूमिगेट एक्शन, ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। मतलब कि स्टोमैक मीन्स ये जो है हम जिस पर छिड़काव करते हैं उसके बाद एक उसका जो है गैस तैयार हो जाता है और वो गैस और लिक्विड जो भी है वो कीटकों के अंदर जाकर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनको ख़राब करके उनको डैमेज करके मारता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट मीन्स जो भी हम छिड़काव करते हैं और उसके कॉन्टैक्ट में जो भी कीटक आते हैं या फिर बॉलवर्म्स आते हैं उनको मारने का काम हो जाता है। उसके साथ ही फ्यूमिगेंट एक्शन, इसका जो मतलब होता है कि जिस जगह पे अपन छिड़काव करते हैं जहाँ पे वो कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है उस जगह में पूरा गैस तैयार हो जाता है और उस गैस के माध्यम से पूरे झाड़ के जो कीटक है उनको कंट्रोल करने का नियंत्रण करने का काम किया जाता है। तो इस तरह से हमने कराटे कीटनाशक का मोड ऑफ एक्शन जान लिया है। इसके बाद में अब कौन सी कीटों को कंट्रोल करने का और कौन से क्रॉप पे छिड़काव करना है हम देखेंगे। तो यह जो कीटनाशक है यह अपन बोलवॉर्म में सभी आ गए, पिंक बोलवॉर्म, अमेरिकन बोलवॉर्म और जो जितने भी बोलवॉर्म्स है उन सबको कंट्रोल करने का काम यह कीटनाशक करता है। उसके साथ ही जैसिड्स, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करने का काम कीटनाशक करता है और यह कॉटन, सोयाबीन और जहाँ भी आपको ये बॉलम्स और जैसे थ्रिप्स नज़र आते हैं वहाँ पे आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर लीफ हॉपर होगा, स्टेम बोरर होगा, गाल मिल्च होगा, हॉपर जितने भी टाइप के होंगे वो हिस्पा, इन सब को कंट्रोल करने का काम करता है और जो राइस में होल मैगोट का जो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। उसके साथ ही बैंगन में फ्रूट बोरर और शूट बोरर इनको कम करने का काम करता है। टोमेटो में फ्रूट बोरर इसको कंट्रोल करता है। इसके बाद में इस कीटनाशक का हमें डोज कितना लेना है यह देखेंगे। तो इसका 2 मिली प्रति लीटर या फिर पंप के हिसाब से 25 से 30 मिली प्रति पंप, इस हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।